गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो वीडियो लेक्चर की इस कड़ी के अंदर अपन आज नर्वस सिस्टम में जो स्पाइनल नर्व है उनके बारे में एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व के बारे में एक बार अपन पढ़ेंगे। अपन ने क्रेनियल नर्व पढ़ लिया था, जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर अपन ने पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि यहाँ पर नर्वस, ये नर्व से मिलकर बना होता है। नर्व होती है कौन सी? स्पाइनल नर्व है एंड क्रेनियल नर्व है। स्पाइनल नर्व है एंड क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। स्पाइनल नर्व में भी स्पाइनल नर्व सारी नर्व होती है, मिक्स नर्व है, मतलब सेंसरी और मोटार नर्व है, दोनों होती है। स्पाइनल नर्व टोटल नर्व होती है 31 पेयर, और ये नर्व कैसी होती है? मिक्स नर्व, सेंसरी समार समार मोटार। इनमें सबसे जो लॉन्गेस्ट नर्व होती है, लार्जेस्ट नर्व होती है, या लॉन्गेस्ट है जो स्पाइनल नर्व है वो होती है साइटिक, सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व जो लोअर बैक से शुरू होती है, लोअर बैक से स्टार्ट होती है लोअर बैक टू द हील, अपने पैर तक जाती है, सबसे बड़ी होती है सियाटिक नर्व। स्पाइनल नर्व का अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे निकलती है वो देखते हैं अपन। मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड के बाहर से जो नर्व का अराइज होता है वो स्पाइनल नर्व होती है। कैसे निकलती है उनके बारे में बात करते हैं। ये है अपना मेडुला ओब्लोंगेटा, यहाँ से शुरू होता है। ये है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, ये है ऑक्सीपिटल लोब, लोब, ये है मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। अब यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का अरेंजमेंट होता है, ये है अपना स्पाइनल कॉर्ड, ये है फाइलम टर्मिनल, ये है फाइलम टर्मिनल। अब स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ प्रोटेक्शन होता है वर्टिब्रा का, ठीक है, चारों तरफ प्रोटेक्शन होता है वर्टिब्रा का। वर्टिब्रा नंबर में होते हैं, अपने पढ़ा था 26 और वर्टिब्रल बोन 31, वर्टिब्रल बोन 31, ठीक है। कारण क्या था कि जो सेक्रल एंड कोकिजियल ये दोनों मिलके क्या हो रही थी, ये 5 थी और ये 4 थी, ये दोनों मिलके क्या हो रही थी, फ्यूज हो रही थी, फ्यूज होके सिर्फ 2 ही बना रही थी, 2 वर्टिब्रा का फॉर्मेशन कर रही थी। सर्वाइकल 7 थी, थोरेसिक 12, 19, लंबार 5, 24, एक सेक्रल और एक एक कोकिजियल, मतलब वर्टिब्रा सेक्रल एक वर्टिब्रा होती है, एक ही कोकिक्स वर्टिब्रा होती है। ये 4 से वर्टिब्रल बोन, 5 वर्टिब्रल बोन थी सेक्रल जो फ्यूज हो गई और एक वर्टिब्रा का निर्माण किया, 4 कोकिजियल बोन थी फ्यूज होके एक कोकिजियल वर्टिब्रा का निर्माण किया, ये बात हो गई। अब वर्टिब्रा के बीच में होता है इंटर वर्टिब्रल फोरामेन, इंटर बिटवीन या इन बिटवीन वर्टिब्रा, इंटर वर्टिब्रल फोरामेन होते हैं, फोरामेन होते हैं इंटर वर्टिब्रल फोरामिना। यहाँ से क्या होता है, नर्व का जो स्पाइनल नर्व है उनका अराइज होता है, स्पाइनल नर्व का अराइज होता है, मतलब यहाँ से स्पाइनल नर्व निकलती है, ठीक है। आगे बात करें कि स्पाइनल नर्व क्या होती है, आपस में मिलके एक फ्लेक्सेस का फॉर्मेशन करती है। कुछ स्पाइनल नर्व होती है 4 या 5 मिलके आपस में मिलकर कुछ फ्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर लेती है। तो स्पाइनल नर्व टोटल 31 थी। अब ये 31 पेयर कैसे हैं, देखो जोड़े कैसे हैं,
ये आपस में मिलके फॉर्म टुगेदर होके प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। प्लेक्सेस ठीक है, प्लेक्सेस क्या होता है, नर्वस नर्व्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म प्लेक्सेस, एंड फॉर्म प्लेक्सेस ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या प्लेक्सेस होते हैं देखो, एक होता है सर्वाइकल प्लेक्सेस, सर्वाइकल प्लेक्सेस, सर्वाइकल वर्टिब्रा से जो निकलता है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वहाँ से जो निकलते हैं नर्व है उनको, स्पाइनल नर्व है उनको सर्वाइकल प्लेक्सेस। थोरेसिक से निकलती है, लेकिन ये थोरेसिक्स में जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है या इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वहाँ से नर्व्स तो निकलेगी स्पाइनल, लेकिन ये क्या नहीं बनाएगी, प्लेक्सेस का फॉर्मेशन नहीं करेगी ठीक है। नर्व निकलेगी लेकिन नॉट फॉर्म प्लेक्सेस। तो सर्वाइकल प्लेक्सेस होता है जिसमें नर्व होती है, बाद में बताऊंगा मैं। एक होता है ब्रेकियल प्लेक्सेस, ब्रेकियल प्लेक्सेस, एक लंबर प्लेक्सेस, प्लेक्सेस, एक सेक्रल प्लेक्सेस, एक होता है कोकीजियल प्लेक्सेस, फिफ्थ वन होता है कोकीजियल प्लेक्सेस। तो ये पांच प्लेक्सेस होते हैं ठीक है, पांच ये प्लेक्सेस होते हैं। आगे बात करते हैं सर्वाइकल नर्व कितनी होती है, पहले बात करते हैं नर्व की, टोटल नंबर ऑफ नर्व है तो सर्वाइकल थोरेसिक लंबार सेक्रल कोकीजियल नर्व कितनी होती है, तो नर्व 31 होती है अपन ने बताया ठीक है। जबकि वर्टिब्रल बोन कितनी होती है, 33, एक सेकंड देखो, पांच सात होती है वर्टिब्रा सर्वाइकल थोरेसिक 12 19 और लंबार कितनी होती है 5 24 4 होती है, 24 और 5 ही होती है सेक्रल, 29 और 4 होती है कोकीजियल 33। तो वर्टिब्रल बोन 33 होती है, वर्टिब्रा सर्वाइकल नर्व 31 होती है पैर, लेकिन वो पैर है, तो जो स्पाइनल नर्व है सॉरी वो 31 पैर है, 31 पैर है। अब इनमें कौन सी सर्वाइकल होती है, कितनी होती है सर्वाइकल, सर्वाइकल नर्व होती है 8, जबकि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं 7। तो ये नर्व का अरेंजमेंट कैसे होता है, एक नर्व है जो फर्स्ट नर्व है, फर्स्ट सर्वाइकल नर्व है C1 नर्व है, वो कहाँ से निकलती है, इन बिटवीन ऑक्सीपिटल लोब, लोब एंड अबव C1 वर्टिब्रा, C1 वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो इसको एटलस बोलते हैं, ये बात दिमाग में रखनी है। और लास्ट वाली होती है, लास्ट मतलब C8 नर्व, सर्वाइकल 8 नर्व अराइज फ्रॉम, अराइज फ्रॉम बिलो C7 वर्टिब्रा, सर्वाइकल 7th वर्टिब्रा के नीचे से लास्ट नर्व निकलती है ठीक है। तो सर्वाइकल नर्व होती है 8, थोरेसिक की बात करें थोरासिक नर्व ये होती है 12, बट T12 नर्व मतलब थर्वाइकल थोरेसिक 2 और थोरेसिक 12 तक जितनी भी थोरेसिक नर्व है नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म
प्लेक्सेज का फॉर्मेशन नहीं करती है, क्योंकि ये आपस में ग्रुप टुगेदर नहीं होती। तो थोरेसिक नर्व है, प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करती ही नहीं है, प्लेक्सेज नहीं बनाती। तो 12 हो गई, 8 हो गई, 20 हो गई। अब लंबार, सेक्रल और कोक्सीजियल बची। लंबार नर्व है, लंबार नर्व, लंबार नर्व कितनी होती है? 5। सेक्रल नर्व है 5। कोक्सीजियल नर्व है 1। तो इस प्रकार से नर्व का अरेंजमेंट होता है। टोटल नर्व इकती है 31। अब प्लेक्सेज कैसे बनाती है, कौन कौन सी नर्व ग्रुप टुगेदर होकर प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करती है, वो बात करते हैं। प्लेक्सेज होता है, नर्व्स आर ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म ए प्लेक्सेज विच सप्लाई द ए पर्टिकुलर बॉडी रीजन। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेक्सेज का। प्लेक्सेज में कौन कौन सी नर्व होती है, जैसे सर्वाइकल प्लेक्सेज है, सर्वाइकल प्लेक्सेज में आती है C1, C2 सर्वाइकल फर्स्ट नर्व है, सर्वाइकल सेकेंड नर्व है, सर्वाइकल थर्ड नर्व है और सर्वाइकल फोर्थ नर्व। लंबा फिर आता है ब्रेकियल प्लेक्सेज। सर्वाइकल के बाद में आता ब्रेकियल प्लेक्सेज। ब्रेकियल प्लेक्सेज में जो नर्व होती है वो कौन कौन सी होती है, C5, C6, C7, C8, T1, मतलब सर्वाइकल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ सर्वाइकल और T1 जो नर्व है वो आती है ब्रेकियल प्लेक्सेज में, जबकि C1, 2, 3, 4 आती है वो सर्वाइकल प्लेक्सेज में। फिर आता है लंबर प्लेक्सेज में आती है L1, L2, L3, L4। फिर आता है सेक्रल प्लेक्सेज में टोटल 6 नर्व आती है, स्पाइनल नर्व है, वो होती है L4, L5, S1, S2, S3 और S4। फिर आता है कोक्सीजियल प्लेक्सेज। कोक्सीजियल प्लेक्सेज में टोटल नर्व आती है 3, S4, S5 और C1, CO, कोक्सीजियल फर्स्ट, क्योंकि कोक्सीक्स एक ही होती है। तो इस हिसाब से नर्व होती है सर्वाइकल में आती है 4, C1, C2, C3, C4। ये आती है लंबार में 5, 9, 9 और 4, 13, 13 और 6 सर्वाइकल हो गया, ब्रेकियल हो गया, लंबार, सेक्रल और कोक्सीजियल। सर्वाइकल में 4 आ गई, ब्रेकियल में आ गई 5, लंबार में आ गई 4, कोक्सीजियल में आ गई 6 और सेक्रल में आ गई 3। तो ये इतनी नर्व है इन प्लेक्सेज में होती है टोटल नंबर ऑफ नर्व, जबकि नर्व टोटल 31 होती है पेयर के रूप में। 12 जो थोरेसिक से निकलती है उसमें T1 को छोड़ दे तो बाकी T2 से T12 तक कोई प्लेक्सेज का फॉर्मेशन नहीं करती। ठीक है, ये बात भी दिमाग में रखनी है। अब कैसे हिसाब से देखो, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा था, ऑक्सिपिटल लोब था, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड था, मेडुला ऑब्लोंगेटा था, ये ऑक्सिपिटल लोब था। यहाँ से सर्वाइकल वर्टिब्रा निकलती है, ये वर्टिब्राज है, यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल फोरामेंस होते हैं, इनसे वर्टिब्रा निकलती है। तो ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा यहाँ से निकलती है, मतलब बिटवीन ऑक्सिपिटल लोब और फर्स्ट अबाउट द C1, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर से, मतलब एटलस के ऊपर से और मेडुला ऑक्सिपिटल लोब के नीचे से निकलती है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा स्पाइनल सर्वाइकल नर्व। फिर दूसरी सर्वाइकल नर्व, तीसरी सर्वाइकल नर्व और चौथी सर्वाइकल नर्व, मतलब C1, C2, C3 और C4, ये चारों मिलकर क्या बनाती है, सर्वाइकल प्लेक्सेज। फिर यहाँ से निकलती है
यही वर्टिब्रा हो गया, ये इतना बना दिया। फिर यहाँ से C5, C6, C7 और C8, यहाँ से नीचे से C8 और यहाँ से T1, तो C5, C6, C7, C8 और T1। ये कौन सा प्लेक्सेज बनाती है? ब्रेकियल प्लेक्सेज, ब्रेकियल प्लेक्सेज। फिर थोरेसिक निकलती है, वो डायरेक्ट निकल जाती है T2 से T12, नॉट फॉर्म प्लेक्सेज, नॉट फॉर्म प्लेक्सेज। ये ग्रुप टुगेदर होती नहीं है, एक साथ मिलती नहीं है तो प्लेक्सेज नहीं बनाती। फिर आता लंबार से, यहाँ से L1, L2, L3, L4, L1, L2, L3, L4, ये हो गया लंबर प्लेक्सेज, लंबर प्लेक्सेज। फिर यहाँ से क्या L4, L5, S1, S2, S3, S4, L4, L5, S1, S2, S3, S4, ये हो गया सेक्रल प्लेक्सेज। फिर आता कोकीजियल प्लेक्सेज, कोकीजियल होता है S4, S5 और C0, S4, S5 और CO1, तो ये होता है कोकीजियल प्लेक्सेज, प्लेक्सेज। इस हिसाब से प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करता है। तो अपन ने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है नर्व का, दो प्रकार की नर्व होती है, एक होती स्पाइनल नर्व है, एक होती क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व के बारे में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। स्पाइनल नर्व 31 पैर की होती है, स्पाइनल नर्व निकलती है स्पाइनल कोड के वर्टिब्रा से, वर्टिब्रा में इंटर वर्टिब्रल फोरामेन होते हैं, वहाँ से निकलती है। वर्टिब्रा 26 होते हैं, वर्टिब्रल बोन 31 होती है, क्योंकि जो सर्वाइकल सेक्रल 5 और कोकीजियल 4 जो वर्टिब्रल बोन होती है, दोनों मिलकर सिर्फ दो वर्टिब्रा का फॉर्मेशन करती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन ने पढ़ा कि दो प्रकार की नर्व होती है, एक तो होती है क्रेनियल, एक होती है स्पाइनल। स्पाइनल सारी नर्व होती है, वो मिक्स नर्व होती है। इन मिक्स में कुछ सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है, सम सेंसरी होती है और सम मोटर होती है। अब इन मोटर की बात करते हैं, मोटर मतलब कमांड देती है, ये आदेश देने का काम करती है। तो इन कमांड के आधार पर मोटर न्यूरॉन के आधार पर या कमांड के आधार पर अपन ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा। एक था सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो कि कमांड देता है टू वॉल्यूंट्री मसल। कौन सी होती है? लाइक एज स्केलेटल मसल्स, जिन पे कंट्रोल कर सकते हैं, स्केलेटल मसल। और ये एक्टिव होता है इवन इन स्लीप। मेरा हाथ है, काम कर रहा है, ये स्केलेटल मसल्स है, इसको कमांड दिया कि इसके थप्पड़ मारना है, इसके लात मारनी है, आगे चलना है, ठीक है। कमांड मिला स्केलेटल मसल्स को, तभी मैंने काम किया। मेरे पैर को कि आप सुई चुबा दोगे मेरे सोते वक्त, तो मैं पैर को तुरंत झटक के साइड कर लूँगा। मतलब रात के वक्त सोते वक्त भी ये ऑटोनॉमिक सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो एक्टिव होता है। दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये कमांड देता है इनवॉल्यूंट्री मसल्स को, कमांड किसको कमांड देगा? गिव कमांड टू इनवॉल्यूंट्री मसल्स में कौन सी आती है? स्मूथ मसल्स, लाइक इज कार्डियक मसल, मतलब हार्ट कार्डियक मसल। इसके अलावा ग्लैंड्स जितनी भी है वो ग्लैंड्स आती है, ये कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंट्री मसल्स को, ठीक है। ये स्लीप की टाइम इनएक्टिवेट होता है, इनएक्टिवेट ड्यूरिंग स्लीप। आप सो रहे हो, आपके पास में शेर आ गया, शेर ने आवाज़ ही नहीं की, तो क्या आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम एक्टिव है? नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले किस्सा सुना था लॉकडाउन में कि कुछ मजदूर थे, वो पटरियों पे सो रहे थे और सोते वक्त ट्रेन उनके ऊपर से निकल गई और उनको कुचल दिया गया। तो
तो अपन बोल सकते हैं कि इन्वॉलेंट्री मसल्स होती है वो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम होता है वो इन्वॉलेंट्री मसल्स को कमांड देता है और वो इनएक्टिव होता है स्लीप के टाइम में, मतलब ये स्मूथ और कार्डिक मसल्स को ही कमांड देता है। जैसे आपके सामने जब शेर आता है तो आपका इनएक्टिव आपकी आंखें खुली होती है तो आप शेर को देखते हो तो कमांड देता है कि ये तो शेर है, शेर तो खतरनाक होता है, तब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और ये अपने बॉडी ऑर्गन्स को कमांड देता है और पूरे बॉडी ऑर्गन्स को सिंपैथेटिक सप्लाई देता है। मतलब जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह से कमांड देता है, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिंपैथेटिक, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब इमरजेंसी होती है तब सिंपैथेटिक कमांड देता है तो पूरे बॉडी ऑर्गन्स को जितने भी स्मूथ मसल्स है ये कार्डिक मसल्स है ग्लैंड्स है इनको ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है और कहता है भग जाओ यहाँ से, फियर फाइट एंड फ्लाइट का काम करता है ये, ठीक है। तो दो तरह से कमांड देता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिंपैथेटिक कमांड देता है ड्यूरिंग रेस्ट के टाइम में कमांड देता है पैरासिंपैथेटिक और ये क्या करता है बॉडी या स्मूथ मसल्स एक्टिविटी को क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है, स्मूथ मसल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, एक्टिविटी को क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है, लाइक एज ब्रेडीपिनिया मतलब हार्ट रेट कार्डिक आउटपुट है ना रेस्पिरेटरी रेट इनको डिक्रीज कर देता है। एक होता है जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, इन इमरजेंसी सिंपैथेटिक सप्लाई, जब आपके पीछे शेर होता है कुत्ता होता है इन इमरजेंसी सिंपैथेटिक सप्लाई देता है। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, पैरासिंपैथेटिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन करना, पैरासिंपैथेटिक देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है सिंपैथेटिक, इमरजेंसी में काम करता है, ये क्या करता है स्मूथ मसल्स या इन्वॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटी बढ़ा देता है, इन्वॉलेंट्री मसल्स की जो एक्टिविटी होती है इनको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है रेस्पिरेटरी रेट कार्डिक आउटपुट है ना हार्ट रेट इनको सब बढ़ा देता है। तो ये अपना नर्वस सिस्टम का पार्ट था स्पाइनल कॉर्ड से रिगार्डिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल नर्व के बारे में। उसके बाद में स्पाइनल नर्व में जो अलग अलग प्लेक्सेज है वो किस किस को नर्व सप्लाई करती है, वहाँ से कौन सी नर्व निकलती है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो नर्वस सिस्टम है वो मेन लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब एक क्लास बची है नर्वस सिस्टम की केवल कि स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल प्लेक्सेज बने हैं वो उनसे कौन कौन सी नर्व निकलती है, जो C1 C2 है ये आगे जाके इसकी ब्रांचेज होती है वो किस किस को बॉडी पार्ट को नर्व सप्लाई करती है, जैसे सियाटिक नर्व कहाँ से निकल रही है C1 से निकल रही है C2 से निकल रही है वो बात, तो वो लास्ट क्लास में अपन बात करेंगे। उसके बाद में अभी एक क्लास बची है ये और बाकी नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और आगे अपन रिप्रोडक्टिव ओनली वन चैप्टर बचा है आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, उसके बाद में आपकी फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो अपन इस वीक के एंड तक अपन एनाटॉमी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद।